अच्छा एक्सपीरियंस आजकल के टाइम में जहाँ पे ये मोबाइल ने इतना सब कुछ टाइम को जो है मतलब ऐसा यूजर्स बना रखा है कि बच्चे भी मोबाइल के ऊपर, हम भी मोबाइल के ऊपर, तो इस ऐसे में एक अच्छा रियलिटी शो जिसे कहेंगे बहुत ही अच्छा, बच्चों के लिए भी बहुत अच्छा, और आज के टाइम में भी ऐसे शो हैं हमारे कल्चर के साथ, तो देख के बहुत अच्छा लगा, काफ़ी अच्छा लगा। हाँ, दो एक्ट मैं बोलूँगा सबसे अच्छे लगे, एक तो भारत माता का एक्ट बहुत अच्छा था, काफ़ी दिल को छू लेने वाला था, और दूसरा एक्ट जो उन्होंने लास्ट में किया था दो टुकड़े का, जो बॉडी के दो टुकड़े हो जाते हैं, वो एक्ट बहुत अच्छा लगा था। ये दो एक्ट काफ़ी अच्छे लगे, एक बार ज़रूर आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए, क्योंकि ये सब चीज़ें छूटती जा रही। जब हम छोटे थे तब ये सब चीज़ें बहुत हुआ करती थी, इस तरह के शोज़ तमाशे बहुत होते थे, लेकिन अभी ये सब चीज़ें जो है नहीं है। अभी तो हम लोग तो मोबाइल में ही, इन सब चीज़ों में ही, टीवी में, मोबाइल में, मॉल्स में, इस सब में ज़्यादा बिजी हो गए, तो इस तरह के रियलिटी शो जरूर बच्चों को देखना चाहिए। बहुत अच्छा लगा हमें ये शो, बहुत बढ़िया लगा, बहुत अच्छा टैलेंट था, आश्चर्यजनक मैजिक देखा, अच्छा देखा मैंने, और बड़ा मनोरंजन हुआ, पैसे वसूल हो गए। ये शो बहुत अच्छा था, वो जो बच्चे को ले ले रहे थे उस बॉक्स में, वो अच्छा लगा, बहुत अच्छा था, ऐसा मैंने कभी भी नहीं देखा। ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा शो था, और लास्ट वाला बहुत ही ज़्यादा अच्छा था, वो मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगा, और बस हमारी दुआएं रहेंगी आंचल दीदी के साथ। मुझे उनका शो बहुत अच्छा लगा, वो बहुत अच्छा था, आई लाइक दैट। इतनी कम उम्र में काफ़ी अच्छा शो था, काफ़ी काबिले तारीफ था, डेफिनेटली बच्चों को शो दिखाना चाहिए, इट्स अ पार्ट ऑफ एन एंटरटेनमेंट एंड मोटिवेशन ऑल्सो, ओवरऑल शो इज़ वेरी गुड। शो बहुत बढ़िया था, प्रेजेंटेशन अच्छा था काफ़ी, बच्चों को खास करके बहुत मज़ा आया, और बच्चों को स्टेज पे लाए वो सबसे बहुत अच्छा लगा, हमें कॉन्फिडेंस बच्चों का देख के बहुत अच्छा लगा, बच्चों को इन्वॉल्वमेंट जो कर रहे हैं वो बहुत अच्छा है, बच्चों का इंटरेस्ट और बढ़ रहा है ना, सभी यूनिक थे, अच्छा लगा, सभी एक्ट में अच्छा लगा, है ना, लास्ट वाला तो काफ़ी अमेजिंग था, जो एंड वाला है, स्टैचू लिबर्टी भी अच्छा है, इतना बड़ा वो गायब करना बड़ी बात है, यहाँ आए हर एक बार एक बार आकर देखिए, काफ़ी अच्छा है, बड़ों के लिए भी, बच्चों के लिए भी, और एक नया एंटरटेनमेंट है, वैसा देखा जाए तो आजकल फिल्मों और इसके अलावा मोबाइल के अलावा और कुछ रहता नहीं है, और इस तरह का इवेंट होगा तो फैमिलीज़ को भी अच्छा लगेगा और बच्चों को भी अच्छा लगेगा, यहाँ आके काफ़ी अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही बढ़िया एकदम, जो लास्ट वाला शो था वो सबसे बढ़िया था, सभी शो अच्छे थे, बाकी लास्ट वाला तो काफ़ी अच्छा, सबको यही सजेस्ट करूँगा कि जाके देखना चाहिए। अवेजम बहुत ही अच्छा था, बहुत डेयरिंग था, वो लास्ट वाला सबसे ज़्यादा अच्छा लगा, जो कटर पे मैम ने जो किया था बहुत ही अच्छा था, और कॉमेडी भी अच्छा था, जो पुलिस वाले रोल पे हुआ था उसमें भी मज़ा आया, ऐसा एक्ट हमने लाइफ में कभी नहीं देखा सच में, अमेजिंग, सभी को हम बताएंगे कि बहुत अच्छा है, अमेजिंग है, आप जाइए देखें और उसे महसूस कीजिए। सारी एक बहुत अच्छे थे, बट लास्ट वाला एक्ट है ना बहुत मिरेकल था, बहुत बढ़िया, देखना चाहिए, फैमिली के साथ आना चाहिए, बच्चों को एंजॉय होता है, बहुत अच्छा था, बहुत बढ़िया शो था, नेवर सीन बिफोर, बहुत बढ़िया शो था, सबको बताएंगे कि काफ़ी बढ़िया शो है, फैमिली के साथ जाके जरूर देखेंगे। मुझे बहुत अच्छा लगा, सारे डिफरेंट डिफरेंट मैजिक थे जो मैंने कभी नहीं देखे थे। मुझे आंचल जी का एक जो सेल्फ कॉन्फिडेंस लेवल है ना, इतना बढ़िया लगा है कि मैंने आगे भी बहुत मैजिशियन के ये शो देखे, लेकिन आंचल दी बेस्ट, दी बेस्ट, इतनी छोटी उम्र में इतना डेवलपिंग पावर, आई रियली ब्लेस सर, आई प्रे टू गॉड दैट गॉड ब्लेस सर। मुझे शो बहुत ही अच्छा लगा, एक्चुअली आज मेरा बर्थडे भी था तो हमने सोचा कि हम यहाँ पे डे स्पेंड करें, लेकिन द डे वॉज वेल स्पेंड, बहुत मज़ा आया, और मुझे उन्होंने विश भी किया। सबसे ज़्यादा शॉकिंग तो हमें लास्ट वाला लगा, कटिंग वाला, लेकिन फेवरेट एक्ट वो था जब वो पीछे से भारत माता बने, वो भी अच्छा लगा, बच्ची थी तो वो भी बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा है, सब जगह एक बार तो देखना ही चाहिए, तो बहुत ही बढ़िया लगा, बहुत ही इंस्पायरिंग है बच्चों के लिए भी, और जो मैसेज दिया उन्होंने बच्चों को लेकर कि आप फ़ोन का इस्तेमाल कम करें और फिजिकल एक्टिविटीज़ में ज़्यादा पार्टिसिपेट करें, उससे उनकी ओवरऑल डेवलपमेंट होगी, प्लस जो उन्होंने सीक्वेंस थी शो की बहुत ही बढ़िया थी, एक भी समय ऐसा नहीं लगा कि ये शो कहीं ब्रेक हो रहा है, बहुत ही अच्छा शो लगा हम सबको, पूरी फैमिली आए हैं इसमें, और मैं चाहता हूँ कि अब बाकी सब भी शो का आके लुक लें, बहुत ही बढ़िया शो है, बच्चों को बहुत मज़ा आएगा, और आप फैमिली के साथ भी आ सकते हैं, फैमिली भी फुल इंजॉय करेगी, कोई भी एज ग्रुप का बंदा इसमें आ सकता है। रुपीज़ वाला अच्छा था, स्टैचू ऑफ लिबर्टी भी एकदम से गायब हो गया, पता नहीं चला हवा में गया या पताल में गया, बहुत ही अच्छा था वो एक्ट पूरा।
मैं आस पड़ोस में यही कहूँगा कि सबको आना चाहिए। मैजिक शो आजकल बहुत कम हो गए हैं, लाइव मैजिक शोज, और गांधीधाम में एक अपॉर्चुनिटी है लोगों के पास, आदिपुर कच्छ के लोगों के, उनको डेफिनेटली यहाँ पे आना चाहिए और इनको जिंदा रखने के लिए, इस आर्ट को जिंदा रखने के लिए उनको डेफिनेटली यहाँ पे आके एंजॉय करना चाहिए। बहुत अच्छा लगा, सबसे अच्छा लगा इतने सारे म्यूजिक शो देखे, उसमें सबसे अच्छा शो लगा ये। जो बच्चों को ऊपर स्टेज पे जो डांस करवाया था और जो बच्चों की एक्टिविटी थी वो सबसे अच्छा लगा था। सबको दिखाना चाहेंगे जो जितना इन्वॉल्व हो अच्छा है। अब तक बहुत शो देखे लेकिन ऐसा लगता था कि जादू का शो देखना बंद कर दे, जो मज़ा नहीं आ रही थी। आज शो देखने के बाद पता चला कि हर जो ट्रिक है और हर जादू का जो दिखाया है वो एक से बढ़कर एक और यूनिक है। और जब ये पता चला कि 5 साल की बच्ची से उसे जो स्टार्ट किया और 22 साल में 12,000 शो किए, राष्ट्रपति अवार्ड मिले, तो ये हमें ये पता चला था, जब देखा तो पता चला कि ये सही में काबिल तालीम है और जादूगर आंचल एक जादूगर सेक्टर में एक इतिहास रचाएगी, उसमें कोई शक नहीं। ऑडियंस में से बच्चे गायब हो जाना और निकलना वो तो सही अमेजिंग है। दूसरा जो कते वाला शो है वो भी बहुत अच्छा लगा, भारत माता का शो, और बोलने की जो स्पीच और जो ट्रिक है वो तो सबसे यूनिक है और 100% वो दुनिया की नंबर वन जादूगर बनेगी, उसमें कोई शक नहीं है। तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि एक बार ये शो देखें और तब आप पता चलेगा कि जादू क्या है। आज तक आपने पहले कितना भी देखा हो लेकिन ये सबसे यूनिक है, सबसे डिफरेंस है, और 100% आप देखने के बाद बोलोगे सही है। इसमें मैं 5 में से 5 स्टार देना चाहती हूँ। मैं इसको 5 में से 5 दूंगा, 5 out of 5। मैं तो 5 की 5 देना चाहूँगा, 5 of 5, 5 out of 4.5 out of 5, 5 out of 5, 5 में से 5, 5 out of 5, थैंक यू, 5 out of 5, 5 out of 5, 5 में से 5, 5 पूरा 5, 5 में से 5 स्टार, 5 में से 5 स्टार, 5 में से 5, 5 में से 10 देंगे, 5 में से 50।